चलिए आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी इजी करते हैं। हमने जाना कि सेक्शन 108 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी को डिफाइन करता है, और ये सेक्शन 108 डिवाइड है दो पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस सेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लेजी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पार्ट ए, जहां राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है किसका, लेजर का। वहीं पार्ट बी लेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को शो करता है। हालांकि पार्ट ए में केवल लेजर के लाइबिलिटीज को ही मेंशन किया गया है, जबकि पार्ट बी में लेजी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों को मेंशन किया गया है, ठीक है। और हमने जाना कि जो लेजी है इसका लाइबिलिटी लेजर का राइट्स हो जाएगा, क्लियर। अब देखो पार्ट ए सेक्शन 108 क्लॉज ए बी सी, ये डिफाइन करता है लेजर का लाइबिलिटीज, क्लियर। और डी से लेकर के जे तक ये आता है पार्ट बी में, और ये कवर करता है लेजी का राइट्स, राइट्स ऑफ लेजी। क्लॉज डी से लेकर के क्लॉज जे तक पार्ट बी में सेक्शन 108 लेजी के राइट्स को कवर करता है, और क्लॉज के से लेकर के क्लॉज क्यू तक लेजी के लाइबिलिटीज को शो किया गया है, जो कि पार्ट बी सेक्शन 108 में कवर किया गया है। और लेजी के यही लाइबिलिटीज लेजर के राइट्स बन जाते हैं, क्लियर। चलिए अब समझते हैं व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ लेजी, लेजी के क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, क्लियर। तो क्लॉज के कहता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स। मान लो लेजी, जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन है, अगर उसे कोई चीज मिलता है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से विच में बिकम बेनिफिशियल फॉर लेजर, जो कि लेजर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, तो लेजी जो है वो उसे डिस्क्लोज कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द विश ऑफ लेजी। लेजी चाहे तो उस मटेरियल फैक्ट को लेजर के पास डिस्क्लोज कर सकती है। आपने सुना होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जमीन पे खुदाई करते समय कभी कभी सोना मिल जाता है, या हमें पता चलता है कि यहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो अगर लेजी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ ऐसे चीजें पाता है जो कि लेजर के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो लेजी चाहे तो डिस्क्लोज कर सकता है। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो वो फ्रॉड के कैटेगरी में नहीं आएगा, जब तक कि लेजर को कोई ना कोई लॉसेस ना हो। मान लो लेजर को कोई लॉस हो गया क्योंकि इस बात को लेजी ने उससे छुपाया, तो लेजर इस कंडीशन में लेजी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, क्लियर। अब क्लॉज एल, इट इज द ड्यूटी ऑफ लेजी टू पे रेंट अकॉर्डिंग टू रिटन अग्रीमेंट और लोकल यूसेज। ये लेजी का ड्यूटी है कि वो अग्रीमेंट में जो भी रेंट अमाउंट देने के लिए वहां पे मेंशन किया गया है उस रेंट अमाउंट को पे करे, और लोकल यूसेज के अकॉर्डिंग अगर रेंट अमाउंट मेंशन किया गया है तो रेंट अमाउंट का पेमेंट करे, ठीक है।
क्लॉज एम कहता है ड्यूटी टू मेंटेन प्रॉपर्टी विद केयर एंड ट्रीट लाइक हिज ओन। ये ड्यूटी है लेजी का कि वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो उसके पास एज ए लीज है उसे अपने प्रॉपर्टीज की तरह ट्रीट करे, उसे नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर। क्लॉज कहता है ड्यूटी टू प्रोवाइड नोटिस ऑफ एनक्रोचमेंट टू लेजर। अब देखो, मान लो लेजी को ये बात पता चलता है कि कोर्ट में इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ किस कोई प्रोसीडिंग चल रहा है जिसमें कोई थर्ड पर्सन इस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रहा है या इस प्रॉपर्टी के किसी सर्टेन पार्ट के ऊपर कोई पर्सन क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है या कोई थर्ड पर्सन इस प्रॉपर्टी पर इंटरफेयर कर रहा है, तो ये किसके अगेंस्ट है? ये लेजर के अगेंस्ट है। तो ये ड्यूटी बनता है लेजी का कि वो इसके बारे में नोटिस प्रोवाइड करे किसको? लेजर को। ऑलराइट। अब क्लॉज ओ कहता है ड्यूटी टू यूज प्रॉपर्टी विथ रीजनेबल केयर एंड ट्रीट लाइक हिज ओन। ये लेजी का ड्यूटी है कि उस प्रॉपर्टी से जो भी वो यूज ले रहा है वो उस प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी माने, उस प्रॉपर्टी को अपने प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करे। ऑलराइट। और उसका ख्याल रखे प्रॉपर्टी का। क्लॉज बी, लेजी मस्ट नॉट विदाउट कंसेंट ऑफ लेजर कैन बिल्ड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर पर्पस। अब कह रहा है कि जो लेजी है वो लेजर के कंसेंट के बिना उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया गया है तो ही वो क्या कर सकता है? इन सभी चीजों को कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस में आप देखते हो कि हमें कई सारे चेंजेस करने होते हैं लैंड पे। ठीक है, तो यानी जिस पर्पस के लिए आपको प्रॉपर्टी एज ए लीज दिया गया है आप उसी पर्पस को फुलफिल करो, आप उस प्रॉपर्टी पर कोई फर्दर स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते हो बिना लेजर के कंसेंट से। आगे कह रहे हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ लीज लेजी इज बाउंड टू पुट लेजर इन पोजेशन ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये ड्यूटी बनता है लेजी का कि जैसे ही लीज अग्रीमेंट कंप्लीट होता है वो पोजेशन को ट्रांसफर कर दे वापस लेजर के पास। ठीक है, तो ये सभी चीजें, ये सभी पॉइंट्स शो करती हैं लेजी के लाइबिलिटीज को। अब लेजी के यही सारे लाइबिलिटीज लेजर के राइट्स बन जाएंगे। तो आई होप कि ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ लेजर एंड लेजी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और आप चाहते हो कि टीपीए की तरह ही अदर लॉ सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बनाए जाए विथ नोट्स एंड एग्जांपल्स, तो टारगेट रखते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और इस वीडियो पर 500 लाइक्स का। अगर आप ऐसा करते हो तो अदर लॉ सब्जेक्ट्स जैसे जुरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ पे भी वीडियोस बनाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।